नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटरिंग को लेकर कि वाटरिंग करने का सही तरीका क्या है, और तीन ऐसी गलतियां मैं बताऊंगा आप लोगों को जो मोस्टली सभी गार्डनर अपने गार्डन में वाटरिंग करते समय करते हैं। तो छोटी छोटी ये कमियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे पौधों को और गमले की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी वाटरिंग को लेकर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों जो सबसे पहला मैं कमी बता देता हूँ, जो सबसे पहली कमी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मोगरा का प्लांट है और मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर साफ दिख रहा हो, धूप काफ़ी ज़्यादा है तो ये आप देख पा रहे होंगे साइड से। देखिए मिट्टी पॉलीथीन को छोड़ देती है, चाहे ये पॉलीथीन हो या फिर गमला हो। मैं आपको मिट्टी के गमले को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो साइड में क्या होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं ना तो मिट्टी गीली होती है और फिर जब वो मिट्टी ड्राई होती है तो क्या करती है, सिकुड़ती है। आप देख पा रहे होंगे इधर दरार दिख रही है ये। तो जब मिट्टी सिकुड़ती है ना तो वो हार्ड होती है और उसके पार्टिकल्स आपस में जॉइंट होते हैं, तो साइड से जो गमले होते हैं उन्हें वो छोड़ देती है। तो जब भी हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो पानी उसी साइड की दरारों से, मैं दिखाऊँ आपको, जब इसमें आप वाटरिंग करेंगे तो पानी इस रास्ते से निकल के सीधा ड्रेनेज होल तक जाता है और वहाँ ड्रेन होके निकल आता है और हमें लगता है कि पानी पर्याप्त हो गया और ड्रेनेज होल से पानी निकलने का मतलब कि पूरी मिट्टी गीली होगी, पर ऐसा होता नहीं है। साइड से मिट्टी जाके पानी जाके ड्रेन होता है और मिट्टी जो नीचे यहाँ सतह के अंदर की होती है वो पूरी अच्छे से गीली नहीं हो पाती है। तो पहली ये कमी है कि आप इसकी गुड़ाई करें। मैं देखिए दिखाने के लिए मैंने दो गमले आपको छोड़ रखे थे, बाकी सभी की मैं टाइम टाइम पर गुड़ाई जरूर कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो दरारें होती हैं वो भर जाती हैं और मिट्टी एयरी हो जाती है, तो जब हम वाटरिंग करेंगे तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट रूट्स तक पूरी मिट्टी गीली होगी तो वाटरिंग अच्छे से होगी। ये पहली कमी हो गई। दूसरी कमी दोस्तों कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो हम वाटरिंग इतना करते हैं कि जो ड्रेनेज होल है वहाँ से करीब आधा लीटर के आसपास एक लीटर पानी ड्रेन हो जाता है। तो ये दूसरी कमी है कि हमें वाटरिंग इतनी करनी है कि 100 ml पानी निकले ड्रेनेज होल से तो बेहतर है, 2-4-10 बूंदें निकल जाएं, 100 ml तक निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि उससे ज़्यादा जब वाटर निकलता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाती है और हम कंपोस्टिंग और सब कुछ करते हैं फिर भी पौधे में ग्रोथ नहीं आती, पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती, तो उसका एक कारण ये भी होता है। तो ये दूसरी कमी है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। और तीसरी बात मैं बताऊँ दोस्तों कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाटरिंग करने का जो समय है, या तो आप मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे से पहले कर लें क्योंकि उस समय की जो धूप होती है उतनी तेज़ नहीं होती है, या फिर आप इवनिंग को 6 बजे के बाद ही करें क्योंकि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा दिन भर की धूप से गर्म होती है, आप टच करके देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी गर्म होगी, और जब गर्म होगी और पानी भी जो टंकी में होता है वो गर्म ही होता है तो उसको आप जब देंगे तो वो मिट्टी में पानी मिलेगी तो वो और ज़्यादा हीट होगा और रूट्स डैमेज होंगी। तो इसलिए ये कहा जाता है बार बार कि जब भी आप वाटरिंग करें गर्मियों में, खास करके 40 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर हो जाता है, तो आपको ये बहुत ही ख्याल रखना है कि जब वाटरिंग करते समय कि हमें तभी वाटरिंग करना है जब धूप से मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, गर्म ना हो। तो इसके लिए बेस्ट होता है या तो सुबह 9 बजे से पहले कर लीजिए वाटरिंग, या फिर शाम के समय में आप 5 बजे से 6 बजे के बाद जब धूप काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए, तो आप वाटरिंग करें जिससे कि जो जड़ें हैं रूट्स हैं पौधे की वो गर्म होकर डैमेज ना हो। तो ये तीन गलतियां थीं जो मोस्टली सब कुछ गार्डनर को छोड़ के मैं कहूँ तो सभी करते हैं, तो इनसे बचा जा सकता है। और अब वाटरिंग कैसे करें मैं बता दूँ आपको कि देखिए, जब भी आपकी जो मिट्टी है वाटरिंग तभी करें जब ऊपर की इंच 1 से 1.5 इंच की लेयर आपको ड्राई नज़र आए। अगर गीली है तो आप रूटीन में वाटरिंग ना करें, मिट्टी चेक करके ही वाटरिंग करें। और वाटरिंग करते समय ये ध्यान रखें कि
आप या तो मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, और वाटरिंग इतना ही करें जितनी आपके गमले को आवश्यकता है। एक्स्ट्रा वाटर आप ड्रेनेज होल के रास्ते से बहाएंगे तो उसके साथ आपका जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपने कंपोस्टिंग करी है वो सब उसके साथ बह के निकल जाता है। तो इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो गर्मियों में भी आपके पौधे काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेंगे, वाटरिंग की वजह से कभी पौधे खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।